हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मुकेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रकृति योग चैनल में और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। आप सभी लोग प्राणायाम के महत्व को समझते होंगे। प्राणायाम का अभ्यास न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से तरोताज़ा रखता है, तंदुरुस्त रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर में इकट्ठे टॉक्सिन विजातीय पदार्थों को खत्म करता है और निगेटिविटी को खत्म कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों दोषों को संतुलित करता है, बैलेंस करता है ये अभ्यास। दोस्तों, आज प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स खराब होते जा रहे हैं, लंग्स की डिजीज बढ़ती जा रही है, लंग्स डैमेज होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, सावधानियों के बारे में। सबसे पहले, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें, जिनको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास ना करें, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी इसका अभ्यास ना करें, जिनके शरीर में पित्त दोष ज़्यादा रहता है वो भी इसका अभ्यास ना करें, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं वो भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि बॉडी में हीट को जनरेट करता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके लाभ। इसके लाभ बहुत सारे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो ज़रूर इसका अभ्यास करें। उनके लिए रामबाण अभ्यास हमारे शरीर से टॉक्सिन को ख़त्म करता है, विजातीय पदार्थों को ख़त्म करता है और ये हमारे शरीर को बैलेंस करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हमारे शरीर के वात और पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है अभ्यास। जिनके शरीर में अत्यधिक मोटापा है, चर्बी है, उनकी चर्बी कम करता है और उनके वेट को कंट्रोल करता है ये अभ्यास। दोस्तों, अब इसके बाद बात करेंगे हम इसकी विधि, राइट टेक्निक क्या है इस प्राणायाम का, अभ्यास का। भस्त्रिका प्राणायाम दो प्राणायामों का कॉम्बिनेशन है। पहला कपालभाति, इसमें करते हैं 40 टाइम्स, प्लस सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। तो पहले जिसकी सामान्य विधि है वो करके मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें इसको। 40 बार हम करेंगे कपालभाति, जो लास्ट स्ट्रोक होगा उसमें पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। मैं करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये सामान्य विधि है, इसको हर कोई अभ्यास कर सकता है इसका। और बाद हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं कुंभक के साथ करेंगे। इसमें दो कुंभक लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे मूलबंध। मूलबंध में हम एनस को ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, और दूसरा बंध लगाएंगे हम जालंधर बंध, चिन्ह को छाती से टच कर देंगे, जालंधर बंध करके हम। बाकी सब विधि वही है, 40 बार हम कपालभाति करेंगे, फिर हम राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे, फिर उसके बाद हम मूलबंध लगाएंगे, फिर हम जालंधर बंध लगाएंगे, फिर श्वास को अंदर रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर गर्दन सीधा रख करने के बाद हम श्वास को बाहर छोड़ देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से। इसमें कपालभाति बहुत फास्ट करते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं करें इसमें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम एवरी वीक नए वीडियो अपलोड करते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।